बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे और इसे चरणबद्ध ढंग से लागू करेंगे और पहले चरण में देसी और मसालेदार शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसके बाद विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसके पक्ष में एक जबरदस्त वातावरण बना। खासकर महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने तो जमकर इसमें इसके पक्ष में जनजागरण अभियान चलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और हम लोगों ने यह तय किया था कि जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने अभिभावकों से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराएंगे कि शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। तो 31 मार्च तक 1,17,00,000 शपथ पत्र जमा हुए, जो हम लोगों की नीति पहले से तय थी कि जो भी देसी मसालेदार शराब बचा रहेगा उसको विनष्ट कर दिया जाएगा। तो लगभग 12,58,000 लीटर देसी और मसालेदार शराब को नष्ट किया गया। तो आज ही अभी अधिसूचना निर्गत हो रही है और आज के ही प्रभाव से बंद और अब कोई दुकान बिवरेजेज कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं खोला जाएगा। जो दुकान खोले गए वो आज ही बंद कर दिए जाएंगे। कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सिर्फ जो आर्मी के कैंटोनमेंट है वो अपने ढंग से संचालित करते हैं, उनको छोड़कर बाकी जितना भी है, चाहे वो होटल हो, बार हो, क्लब हो, कहीं भी शराब का अब प्रचलन नहीं होगा। किसी भी प्रकार का लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा होटल को, बार का या क्लब को, बार का, ये सब कुछ नहीं, यानी टोटल बंद है।